जी हाँ, हर बजट में संपूर्ण मांगलिक व्यवस्था और वो भी एक ही छत के नीचे। शुभ परिसर, पैराडाइज होटल, लक्की गार्डन, नार्मदीय धर्मशाला, गुरु नानक परिसर, बापू गार्डन, गंगराड़े धर्मशाला, अमृत गार्डन, छोटी छेगांव। जी हाँ, आप शादी तय करें और बस एक फोन हमें करें। आरएनके कैटरिंग एंड इवेंट्स, रितेश कपूर और श्याम कपूर साथ ही पाए एक विशेष ऑफर। जन्मदिन, सगाई, बीसी और छोटी पार्टियों के लिए शुभ परिसर और लक्की गार्डन में हॉल एकदम फ्री। प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका अपनी मांगों को लेकर तालबनी हड़ताल पर चली गई थी। खंडवा में भी यह लोग हड़ताल कर धरना दे रहे थे। चुनावी साल होने के चलते अपनी मांगे मनवाने के लिए खंडवा में धरने पर बैठी थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका। गीत गाकर सरकार को चेता रही है। आज कार्यकर्ताओं ने रैली निकाल कर कलेक्ट्रेट में थालियां बजाई और गीत गाकर सरकार को चेताया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। देखे खबर खंडवा की न्यूज चैनल पर पूरी खबर। मामा हमारी बात जरूर सुनेंगे। आप लोग सब इसी प्रकार संघर्ष करते रहे, विश्वास बनाए रखें संगठन में और अपने आप में। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। ये हमारी कुछ जायज मांगों को लेके बैठे हैं। 11 सूत्री मांग हम 5 दिन से मतलब धरने पे बैठे हैं। प्रदेश का आंदोलन है ये। इस आंदोलन में 52 जिलों में हड़ताल थी। आंगनवाड़ी पूर्ण रूप से बंद की गई थी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन था कि ये 6 दिन के अंदर वो हमारी मांगों को पूरा करें और यदि मांगों को हमारा पूरा नहीं करते हैं तो हो सकता है हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठना पड़ेगा। हमारी उनसे एक ही मांग खास है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक वो हमारी ये मांग पूरी नहीं करेंगे हमारी कार्यकर्ता बहनें इसी तरह नारे लगाती रहेंगी और मामा के नाम के गाने गाती रहेंगी। किस प्रकार के गाने गा रहे हैं आप? मामा तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। मामा तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज तुम जो हम आए से करोगे, रोज रोज तुम जो हम आए से करोगे, हम जरूर जाएंगे तो हाथ मलोगे। एक हमारी सबसे पहली मांग तो थी कि हमें शासकीय कर्मचारी घोषित करें और दूसरी हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को ही सुपरवाइजर के पद पे नियुक्त किया जाए और रिटायरमेंट के बाद जो हमको राशि दी जाती है, मतलब हम लोग को अभी तक तो कोई राशि दी नहीं जा रही, लेकिन अभी हमारी मांग में रखा गया है कि यदि कार्यकर्ता और सहायिका को रिटायर किया जाता है तो कार्यकर्ता को 1,00,000 रुपया और सहायिका को 9,000 रुपया दिया जाए, 75,000 रुपये दिया जाए, जिससे कि और राज्य कर्मचारी का यदि दर्जा मिल जाता है तो इन सब मांगों का कोई इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है। लेकिन यदि वो हमें राज्य कर्मचारी में नहीं शामिल करते हैं और 18,000 कार्यकर्ता का मानदेय और सहायिका का 9,000 मानदेय करते हैं तो ये सब मांगों को उनको निराकरण हमारा करना पड़ेगा, क्योंकि यदि 18,000 मांग हमारी पेमेंट करते हैं, मानदेय करते हैं, तो उसमें हमारी 3-4 मांगे, आयुष्मान योजना में हमको दिया जाए, रिटायरमेंट में हमको 1,75,000 की राशि दी जाए और जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसको मेन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में कन्वर्ट किया जाए और पेंशन की योजना है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को क्या आश्वासन मिला है और अब आगे की क्या अभी तक तो प्रदेश स्तर पर पता चला है कि उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन आश्वासन हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि आश्वासन मिलता रहेगा तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। तो इस आंदोलन का अर्थ क्या निकला आपका? 4-5 दिन प्रोटेस्ट चला, आज खत्म हो गया। आज हमारा समापन का है, लेकिन प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी थे उन लोगों ने चर्चा की वल्लभ भवन में जाके, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि करेंगे
लेकिन लगता नहीं कि वो करेंगे ऐसा कुछ। कितना दिन और बाहर बैठेंगे? 28 फरवरी तक की बोला है, तो 28 फरवरी यदि बजट के पहले करते हैं तो ठीक है, नहीं तो 28 फरवरी के बाद हम फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल। चुनाव का तो इस बार बहुत बड़ा नुकसान होना है, क्योंकि यदि हम लोग को यदि परमानेंट नहीं करते हैं तो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है प्रभाव उन पर, लेकिन वो प्रभाव जब चुनाव आएगा उसके बाद बहुत भयंकर प्रभाव। तो बीजेपी जीत रही प्रदेश में, नहीं जीतेंगे इस बार, नहीं जीतेंगे। घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488।